हेलो बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग। मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको इंग्लिश का लेसन नंबर 9 जू मैनर्स पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इट इज़ अ नाइस पोयम और इस पोयम में हम ये सीखेंगे कि जब भी हम जू विजिट करते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए वहाँ पे एनिमल्स के साथ में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हैव यू एवर विजिटेड अ जू? क्या आप कभी किसी जू में गए हैं? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ योर आंसर्स विल बी येस, है ना, क्योंकि हम कभी ना कभी जू में गए हैं। तो जब हम जू में जाते हैं तो उस वक्त हमें कैसे बिहेव करना चाहिए वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनके साथ में, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो हम इस पोएम में सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड आउट द पोएम। जू मैनर्स। बी केयरफुल व्हाट यू से एंड डू व्हेन यू विजिट the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguin strutting around the lake can understand remark you make. Treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo. Okay, so this is the poem. Now I will explain it to you. Be careful what you say and do when you visit the animal at the zoo. इसमें जो poem का writer है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम zoo में जाते हैं तो हमें careful रहना चाहिए कि हम वहाँ पे जो animals हैं उनके सामने क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कई सारे एनिमल्स हमें इमिटेट करते हैं। इमिटेट करने का मतलब होता है हमारी नकल उतारते हैं, है ना, जैसा हम करते हैं वैसा ही वो भी करते हैं। तो इसीलिए जब भी हम जू जाते हैं एनिमल्स को विजिट करने के लिए तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम एनिमल्स के सामने क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग यू। क्योंकि वो सारे एनिमल्स भले ही आपकी तरफ देख नहीं रहे हो लेकिन वो आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपके कौन से एक्शन पे वो कैसे रिएक्ट करेंगे यू डोंट नो दैट। ओके, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। अगर आप जू में जाते हैं और वहां पे आपको कोई कैमल दिखाई देता है ना, तो आपको उस कैमल का जो हम्प होता है, कैमल का हम्प यानी कि वो बॉडी पार्ट जिसके अंदर वो वाटर और फूड को स्टोर करके रखता है फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, तो वो वाले बॉडी पार्ट को, हम्प को देख करके आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो उस पर बहुत प्राउड करता है। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक ही इज एज वाइज एज यू और मी। अगर आपको जू में चिंपैंजी दिखाई देता है तो चिंपैंजी क्या होता है, दैट इज अ बिग मंकी लाइक एनिमल। ओके, तो अगर आपको जू में चिंपैंजी दिखाई देता है तो आपको चिंपैंजी को देख करके ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि वो उतना ही समझदार है जितना कि आप और मैं, ठीक है। तो जो चिंपैंजी होता है दैट वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, उनको सब समझ में आता है। तो आपको चिंपैंजी को देख करके उसके सामने ज्यादा लाफ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि वो उतना ही समझदार है जितना आप और मैं। एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक। और अगर आपको पेंगुइन जो दिखाई देती है लेक्स के पास में घूमती हुई, स्ट्रटिंग का मतलब होता है खुली हवा में घूमना, तो अगर आपको कोई पेंगुइन्स दिखाई देती है लेक के पास में घूमती हुई तो आपको उन पे कोई रिमार्क नहीं करना चाहिए। रिमार्क का मतलब होता है कमेंट करना, है ना, किसी के बारे में कोई बात बोलना, तो आपको उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो समझ सकते हैं कि आप क्या बोलना क्या बोल रहे हैं। ओके, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, ठीक है। जितने अच्छी तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं, मतलब आपको कैसे ट्रीट करते हैं वो, कि जू इज देयर होम, है ना, जू इज द होम ऑफ दैट एनिमल्स, और वो आपको वेलकम करते हैं अपने घर के अंदर, वो आपको अपने घर के अंदर आने देते हैं, अपने से मिलने देते हैं। तो जैसे वो आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं वैसे ही आपको भी उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए
ताकि आप कभी भी जू के अंदर वेलकम हो, ताकि आप कभी भी जू के अंदर जा सकें उनसे मिलने के लिए। ठीक है, तो इस पोयम में जो राइटर हैं उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि आपको जब भी आप जू में जाते हैं तो आपको एनिमल से अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो आपकी प्रेजेंस से डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अगर आपके घर में कोई आता है तो उसकी प्रेजेंस से आप अगर डिस्टर्ब होते हो तो यू आर नॉट फीलिंग गुड ना, तो आप उनके घर में जा रहे हो तो आपकी प्रेजेंस से उनको डिस्टर्बेंस फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यू डिड नॉट टीज देम, डिड नॉट मेक फेसेस एट देम। ठीक है, आप उनको देखते हो तो आप उनकी तरफ फेस नहीं बनाओ, है ना, उनको टंग नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको टीज नहीं करना चाहिए, यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली विद देम। ओके, तो दिस इज द पोयम। नाउ हियर आर सम न्यू वर्ड्स, प्राउड, नोबल, वाइस, पेंगुइन, स्ट्रटिंग एंड रिमार्क। नाउ वी विल सी द वर्ड मीनिंग। प्राउड, फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट और प्लेजर इन समथिंग। प्राउड का मतलब गर्व करना, ठीक है, अपने ऊपर घमंड होना, हमारे पास कोई अच्छी चीज होती है तो वी फील प्राउड ऑफ दैट। ओके, तो लाइक दिस। नोबल, समवन विद गुड कैरेक्टर, कोई अच्छे कैरेक्टर वाला तो नोबल। वाइस, समवन हु हैज गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जिसके पास अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है वो होता है वाइस, चतुर, बुद्धिमान। पेंगुइन, अ लार्ज सी बर्ड विद विंग्स फॉर स्विमिंग अंडर वाटर, एक बड़ा सा सी बर्ड होता है जिसके पास विंग्स होते हैं पानी के नीचे तैरने के लिए, दैट इज पेंगुइन। स्ट्रटिंग, टू वॉक विद प्राउड इन एयर, है ना, हवा में घूमना प्राउड के साथ में। रिमार्क, टू से समथिंग एज अ कमेंट की तरह कुछ बोलना, दैट इज रिमार्क। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस दैट वी हैव टू आंसर। फर्स्ट वन, What do you see at the zoo? Zoo में आप क्या देखते हो, जब आप zoo जाते हो तो वहां पे आपको क्या दिखाई देता है? तो we see birds and animals, है ना, we see many types of birds and animals at the zoo. Zoo में हमें बहुत सारे तरह के birds और animals दिखाई देते हैं, है ना, there are many kinds of birds, animals, reptiles also there, there are some kinds of insects are also there, okay? So many animals we can see there. What does the camel have on its back? Camel के back पे क्या होता है? तो the camel has a hump on its back. Camel के back पे एक hump होता है. And he use this hump to store a lot of water and food. Okay? Have you been to a zoo? क्या आप कभी zoo में गए हो? तो answer is yes. I have been to a zoo. हाँ, हम zoo में गए हैं, मोस्ट ऑफ अस हैव बीन टू द जू, है ना, हमें से ज्यादातर लोग जू गए हैं। नेम द एनिमल विच यू हैव सीन इन अ जू, से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। जो जू में आपने जो जो एनिमल्स को देखा है उनके नाम लिखने, ठीक है, तो मैंने जिन एनिमल्स को देखा है, आई हैव रिटन द नेम ऑफ दैट एनिमल, यू कैन ऑल्सो एड द नेम्स ऑफ अदर एनिमल। आई हैव सीन लायन, टाइगर, लेपर्ड, बेयर, मंकी, पायथन, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा इन द जू। नाउ नेक्स्ट, नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। जब आप जू जाते हैं तो जू में आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद है उसका नाम लिखना है, और ये भी बताना है कि वो जानवर आपको इतना क्यों पसंद है, वो एनिमल आपको इतना ज्यादा पसंद क्यों है, उसका आपको रीजन भी देना है। ठीक है, तो ये आंसर भी आप अपने आप लिख सकते हो। आई हैव गिवन द आंसर हियर, बट यू कैन चेंज दिस आंसर, ओके, अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आई लाइक मंकी द मोस्ट बिकॉज इट कैन एक्ट एग्जैक्टली लाइक मी। मुझे सबसे ज्यादा मंकी पसंद है, क्यों? क्योंकि वो मेरी तरह एक्ट कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चिंपैंजी हमारी नकल कर सकता है ना, ऐसे मंकी भी हमारी नकल करता है, वो एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करता है जैसे हम एक्ट करते हैं। He was copying me when I was dancing and he too danced in the same way. जब हम गए थे जू में तो जैसे हम डांस कर रहे थे वैसे ही वो मंकी भी डांस कर रहा था, है ना, तो उसको देखना हमें बहुत अच्छा लगा। That's why I like the monkey most. क्योंकि वो हमें इमिटेट कर सकता है, वो जैसे हम एक्ट करते हैं वैसे वो एक्ट कर सकता है। Did you feed any animal at the zoo? Should we tease animal? यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है, डिड यू फीड एनी एनिमल एट द जू,
आप जब जू में गए थे तो आपने किसी एनिमल को कुछ खिलाया था? तो हम मोस्टली जब भी जू में जाते हैं तो हम बाहर से कुछ पैकेट्स लेकर के जाते हैं फूड के, है ना, वहाँ पे एनिमल्स को खिलाने के लिए। शुड वी टीज देम? क्या हमें एनिमल्स को टीज करना चाहिए? तो हियर आर टू क्वेश्चंस, लुक द आंसर। यस, आई फेड जिराफ टू एट द जू, हमने जिराफ को खाना खिलाया था जू में। नो, वी शुड नॉट टीज देम। अ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए। टीज करना यानी चिढ़ाना। वी शुड ऑलवेज लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम। हमें हमेशा उनसे प्रेम करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द एनिमल्स इन द जू। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें उनको टीज नहीं करना चाहिए। लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द राइट वर्ड दैट द टीचर से। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो हम रीड करेंगे और जो जो वर्ड पोयम में आए हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट वी विल रीड आउट इट, थिंक, फन, मच, वेल, एट, थैंक, फैन, मैच और वॉल, ठीक है। तो इसके अंदर जो वर्ड्स पोयम में है वो हम टिक करने वाले। तो फर्स्ट वन इज थिंक, देन फन, मच, वेल एंड एट। ओके, टिक राइट दिस फाइव वर्ड्स। नाउ से अलाउड, वी हैव टू रीड दिस वर्ड, तो रीड इट विथ मी। बम्प, हम्प, डम्प, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लो, नॉइस, प्राइस, साइज, पाइस, फ्लाइज। ओके, नाउ हियर इज अ पोयम दैट वी हैव टू रीड, है ना। यहाँ पे एक छोटी सी पोयम दी है अबाउट द एलिफेंट, तो आपको वो पोयम रीड करनी है एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट। जो एलिफेंट है वो झूम झूम के चलता है। आपने एलिफेंट को कभी वॉक करते हुए देखा है? वो इधर उधर हिलते हुए चलता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो ही वॉक्स लाइक शेकिंग। ओके, तो द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, जो एलिफेंट है वो हिल हिल के चलता है। ही इज सो टॉल एंड सो फैट, वो बहुत लंबा होता है और वो बहुत मोटा होता है। ही हैज नो फिंगर्स, हैज सम टोज, उसके कोई उंगलियां नहीं होती, है ना, लेकिन कुछ टोज होते हैं उसके पैरों में। बट ओ माई गुडनेस, वॉट अ बिग नोज, लेकिन हे भगवान देखो तो इसकी नोज कितनी लंबी है, ठीक है। तो ये जो पोयम है इसमें हमें एलिफेंट के बारे में बताया कि एलिफेंट कैसा होता है। ओके, नाउ हियर इज वन मोर एक्सरसाइज, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। आपको दिस और दैट से शुरू होने वाले कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं और यहाँ ब्लैंक में लिखने हैं, ठीक है। तो हियर आर द सेंटेंसेस। फर्स्ट, दिस इज द बुक दैट यू हैव टू रीड, ये वो बुक है जो आपको पढ़नी थी। सेकेंड, दैट इज द गर्ल हु वन द प्राइज, ये वो लड़की है जिसने प्राइज जीता था। दिस इज द फूड दैट यू हैव टू ईट, ये वो खाना है जो तुम्हें खाना था। दैट लेडी आस्क्ड मी फॉर मनी, उस लेडी ने मुझसे मनी मांगा। दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। दैट बिल्डिंग गॉट कलैप्स्ड, वो बिल्डिंग गिर गई, ठीक है। तो दिस और दैट को यूज करके हमें इस तरह से सेंटेंस फॉर्म करने। तो यू कैन राइट दिस सेंटेंस, आप नंबर डाल के और ये सिक्स सेंटेंसेस वहां ब्लैंक में फिल कर सकते हो। ओके, लाइक दिस यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस इन दैट ब्लैंक। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, अ विजिट टू माई विलेज, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे एक पैसेज दिया है आपको और कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो उन वर्ड्स से आपको पैसेज में जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है, ठीक है। वी विल रीड द वर्ड्स फर्स्ट। हॉर्सेस, विलेज, कैट, डॉग्स, मिल्क, किटन, हे, पॉन्ड, ग्रैंड मदर, काउ, कॉक एंड हैन, ठीक है। यहाँ पे हर एक ब्लैंक के बाद में आपको पिक्चर भी दी है ताकि आप पिक्चर से ये चेक कर सको कि आपको कौन सा वर्ड ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। तो वी विल रीड द पैसेज नाउ। इन जून वी वेंट टू अ डैश, जून में हम एक कहाँ गए थे? तो यहाँ पे एक विलेज की पिक्चर है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे विलेज। वेयर माई डैश लिव्स, तो ये पिक्चर है ग्रैंड मदर की, तो वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स। शी हैज अ फार्म,
ऑन हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स, देर आर टू, यहाँ पे हॉर्सेस की पिक्चर है तो हम ब्लैंक में लिखेंगे हॉर्सेस. अ कैट विथ इट्स किटन, तो कैट के जो बच्चे हैं वो किटन कहलाएंगे, ठीक है, एक कैट है और किटन. थ्री डॉग्स, वन हैन एज वेल एज अ कॉक एंड अ काउ. एवरी मॉर्निंग शी फीड हर एनिमल विथ हे, हे का मतलब होता है चारा भूसा, और मिल्क. दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड ऑन द फार्म, ठीक है. तो आपको पिक्चर देखनी है और पिक्चर किस चीज की पिक्चर है वो वाला वर्ड आपको बॉक्स में से या ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. जून में हम एक विलेज में गए थे जहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर रहती हैं. उनके पास एक फार्म है और फार्म में बहुत सारे एनिमल्स हैं, है ना, और वो अपने एनिमल्स को हे खिलाती हैं और दूध पिलाती हैं और वो पॉन्ड के आसपास रहते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंपोजिशन कॉर्नर. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे पिक्चर है आपके पास फ्लावर की और बीज की, इसको देख के आपको ब्लैंक्स फिल करना है ना. हियर आर सम वर्ड्स ऑल्सो, लाइन्स, फ्लावर, बर्स्ट, टू, बी एंड अगेन बर्स्ट. दिस इज अ डैश, ये क्या है, तो दिस इज अ बी, ये एक मधुमक्खी है. इट हैज डैश ऑन इट्स विंग, इसके विंग्स पे क्या दिखाई दे रहे हैं, तो इट हैज लाइन्स ऑन इट्स विंग्स. इट हैज डैश एंटीना, इसके कितने एंटीना होते हैं, तो इट हैज टू एंटीना. इट बर्स्ट एंड बर्स्ट, इट बजेस राउंड द फ्लावर, ठीक है, ये किसके आसपास बस करती है, तो इट बजेस राउंड द फ्लावर. इट बर्स्ट एंड बर्स्ट एंड केम टू द जू, ये बर्ज बर्ज भुन 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 करके और जू में आती है, ठीक है. तो आपको पहले पिक्चर देखनी है अच्छे से, उसके बाद में ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको फिल करना है, देन यू हैव टू रीड दिस पैसेज. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स डू. हेल्प द बी टू रीच इट्स होम. यहाँ पे एक मधुमक्खी है और उसका घर होता है बी हाइव, छत्ता, है ना. मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में, बी हाइव में. तो आपको उसको उसके घर पहुंचाने में हेल्प करनी है. व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विद बीज. बी से राइम करने वाली कुछ चीजें उसको रास्ते में मिलेंगी, तो वो आपको रीड करना है, ठीक है. तो बी, बी सबसे पहले जाएगी पी के पास, है ना, पी यानी कि मटर, ठीक है. पी से वो टर्न लेगी और जाएगी ट्री के पास, ठीक है. फिर ट्री से वो जाएगी की के पास, की से टी, और टी से वो जाएगी बी हाइव पे, ठीक है. तो इस तरीके से आपको जो बी है, मधुमक्खी है, उसको उसके राइमिंग वर्ड्स के थ्रू होते हुए वे ढूंढना है और बी हाइव तक पहुंचाना है, ठीक है. बी, बी टू पी, पी टू ट्री, ट्री टू की, की टू टी एंड टी टू बी हाइव. ओके, लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द पाथ इन योर बुक. नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी है आपको और उनके नाम सामने लिखे हुए हैं, लेकिन वो कंप्लीट स्पेलिंग नहीं है, आपको वो स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है. तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ लॉयन, एल आई ओ एन, लॉयन. देन सेकेंड वन इज वुल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ, वुल्फ. थर्ड वन इज जैकाल, जे ए सी के ए एल, जैकाल. देन मंकी, एम ओ एन के ई वाई, मंकी. देन चिम्पैंजी, सी एच आई एम पी ए एन जेड डबल ई, चिम्पैंजी. देन जिराफ, जी आई आर ए डबल एफ ई, दैट इज जिराफ. देन टी आई जी ई आर, टाइगर. देन डी डबल ई आर, डियर. ओ डब्ल्यू एल, आउल. बी ई ए आर, बेयर. ओके, तो आपको पिक्चर देखना है और पिक्चर देख करके जो एनिमल्स हैं उनको पहले पहचानना है और उनके नाम की स्पेलिंग्स कंप्लीट करना है, ठीक है. तो लाइक दिस यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल्स. लॉयन, देन वॉल्फ, जैकाल, मंकी, चिम्पैंजी, जिराफ, टाइगर, डेयर, आउल and where. Okay, now we will come to next exercise. Let's make the noise that animals make.
यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं और उस सेंटेंस में आपको ये बताया कि कौन सा एनिमल कैसे नॉइज प्रोड्यूस करता है. तो यू कैन लर्न द नॉइज ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम दिस. ओके, रॉर लाइक अ लॉयन, नी लाइक अ हॉर्स, क्वेक लाइक अ डक, ब्लीट लाइक अ गॉट, ग्रंट लाइक अ पिग, बार्क लाइक अ डॉग, मू लाइक अ काउ, चिरप लाइक अ स्पैरो, चैटर लाइक अ मंकी एंड हिस लाइक अ स्नेक. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग एनिमल्स कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कैसी नॉइज निकालते हैं, वो आपको यहाँ पे बताया है ना. जो फर्स्ट वर्ड है इस सेंटेंस में वो है साउंड, है ना, और जो लास्ट वर्ड है डेट इज द नेम ऑफ द एनिमल. तो आप एनिमल के साउंड यहाँ से लर्न कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ज्वाइन द डॉट एंड कम्प्लीट द नेम ऑफ द एनिमल. यहाँ पे डॉटेड लाइन से एक एनिमल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो आपको वो डॉट्स मिला करके कंप्लीट करना है वो पिक्चर को, और वो कौन सा एनिमल है उसको पहचान के उसका नाम यहाँ ब्लैंक में लिखना है. ठीक है, तो द एनिमल इज डायनासोर. ठीक है, ये जो एनिमल है ये डायनासोर है. आपको सिंपली अपनी पेंसिल लेकर के और डॉट्स ज्वाइन करके और इस तरीके से ये पिक्चर को कंप्लीट करना है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो कलर द पिक्चर. ठीक है, आप अपने अपने अनुसार ये पिक्चर को कलर भी कर सकते हो अपनी बुक में. ठीक है, एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एनिमल दैट इज डायनासोर, DINOSAUR, दैट इज डायनासोर. नाउ लास्ट एक्सरसाइज, लेट्स प्रैक्टिस. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं वो भी डॉटेड लाइन में, और आपको उनको ओवरराइट करके अच्छे से लिखना है. ठीक है, तो आई विल रीड द वर्ड फॉर यू. फर्स्ट वन इज ऑन, कम, हाउस, क्लाउड, लकी एंड फनी. ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू राइट द वर्ड्स हियर. ओके, सो हियर योर लेसन इज कंप्लीटेड. डू द एक्सरसाइज वेल इन योर बुक. If you have any query, you can ask me. Okay? So, do the exercise well in your book and write the question answers in your notebook. Thank you very much. Thank you.